आज हम बनाएंगे बिना चावल के आटा के आलू प्याज के पकौड़े। बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे और बहुत ही टेस्टी भी लगते हैं। बहुत जल्दी और बहुत आसान तरीके से बन के तैयार हो जाएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो आलू प्याज के पकौड़े बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है 4 मीडियम साइज के प्याज और 1 कच्चे आलू। आलू को मैंने छील लिया है, प्याज को भी छील लिया, अच्छे से धो लिया है। अब हमें क्या करना है कि प्याज को पतले पतले टुकड़ों में काट लेना है। तो जितना पतला आप टुकड़ा काट सके उतना पतला काटना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम प्याज को 2 पार्ट में काट लेंगे इस तरीके से। अब हम ले लेंगे जो हम चिप्स काटने के लिए चॉपर यूज करते हैं वो हमें लेना है। चिप्स काटने वाले से एक फायदा है कि आपका प्याज बहुत जल्दी कट भी जाएगा और बहुत ही पतला कटता है। जितना आप चाकू से पतला नहीं काट सकते उतना पतला इस चिप्स काटने वाले से कट जाता है। इस तरीके से हमें काट लेना है पतले पतले। फ्रेंड्स, आप इस बारिश के मौसम में आप ये आलू प्याज के पकौड़े जरूर ट्राई करें, बहुत टेस्टी लगेंगे। तो ऐसे ही हमें सारे, यहाँ पे मैंने सारे प्याज को काट लिया। अब इसे एक बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं। ये देखिए कितना पतला पतला प्याज कटा है। अब हमें आलू को भी एकदम पतले टुकड़ों में काटना है। तो उसके लिए हम इसे चिप्स काटने वाले से, जैसे हम चिप्स काटते हैं उस तरीके से हमें आलू को भी काट लेना है। पहले पतले पतले स्लाइसेस गोल गोल काट लेंगे। यहाँ पे मैंने आलू को भी पतले पतले चिप्स के तरीके से काट लिया है। अब हमें क्या करना है कि 6 से 7 एक साथ इस तरीके से सारे पीसेस लगा लेंगे। अब हम चाकू से इसे काट लेते हैं पतले पतले टुकड़ों में। तो ये हमारा आलू भी इसी तरीके से कट गया। ये देखिए कितना पतला स्लाइस हो गया है। बचे हुए आलू को भी हम इसी तरीके से काट लेंगे। सारे आलू मैंने काट लिए हैं, उसी बाउल में रख लेते हैं। अब हम काट लेंगे 2 हरी मिर्ची। मिर्ची आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप तीखा नहीं पसंद करते हैं तो आप हरी मिर्ची स्किप कर सकते हैं, या फिर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो। मिर्ची को भी मैंने काट लिया, इसे भी हम आलू प्याज के साथ रख लेते हैं। अब ले लेंगे 1 इंच अदरक का टुकड़ा और इसे हमें ग्रेटर से ग्रेट कर लेना है। अगर आप इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन अदरक का टुकड़ा ग्रेट करने के डालने से क्या होगा कि जब आप पकौड़े खाएंगे तो मुंह में जो अदरक के छोटे छोटे चंक्स जाते हैं तो टेस्टी लगता है। तो अदरक को भी हम इस आलू प्याज में डाल लेंगे। अब हम इसमें डाल लेंगे 1/2 छोटी चम्मच अजवाइन, 1/4 छोटा चम्मच कलौंजी। अजवाइन और कलौंजी डालने से पकौड़े का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है और अजवाइन जो है वो पकौड़े पचने में भी आसानी से पच जाएगा आपको। अब इसमें हम डाल लेते हैं 4 चम्मच बेसन। बेसन की क्वांटिटी आप बाद में, अगर और ज़्यादा डालना चाहें अगर आप बाद में डाल सकते हैं थोड़ा सा, लेकिन इतना में ही अच्छे से ये मिक्स पकौड़ा बन के तैयार हो जाएगा। अब हम इसमें डाल लेते हैं 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, साथ ही 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर। मिर्ची आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप काली मिर्च नहीं खाना पसंद करते तो आप यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। साथ ही इसमें हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। अब क्योंकि हमने यहाँ पे चावल का आटा नहीं लिया, इसके बदले हम लेंगे 2 चम्मच गेहूं का आटा। बहुत ही टेस्टी बनेगा गेहूं के आटे से। चावल का आटा कभी कभी ख़त्म हो जाता है या फिर बहुत सारे घर में नहीं रखते हैं तो चावल को फुलाना पीसना वो ज़्यादा मुश्किल काम हो जाता है। थोड़ा सा इसमें डाल देंगे सरसों का तेल, इससे पकौड़े जो है बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। अब लास्ट में हम इसमें डाल देते हैं सूखे हुए धनिया के पत्ते। यहाँ पे मैं धनिया का पत्ता जो है वो सुखा के रखती हूँ, वो डाल दे रही हूँ। आपके पास अगर फ्रेश धनिया है तो आप वो भी डाल सकते हैं।
अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमें हार्ड डो नहीं तैयार करना है, बल्कि पकोड़े को मिक्स करना है, जिससे कि वो गीला गीला सा रहे, जो पकोड़े हमारे अच्छे से बने। अगर यहाँ पे लगे आपको कि बेसन कम है, तो आप बेसन डाल सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। सभी चीज़ों को अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। इस तरीके का गीला होना चाहिए, ये देखिए। अब हमारा पकोड़े का मिश्रण तैयार हो गया। अब हम पकोड़े फ्राई कर लेते हैं, तो उसके लिए कढ़ाई ले लेंगे। यहाँ पे गैस की फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। अब हम इसमें डाल लेंगे सरसों का तेल। पकोड़े जो है वो सरसों के तेल में ही फ्राई करें, टेस्टी लगते हैं। रिफाइंड वगैरह में उतना ज़्यादा अच्छा टेस्ट नहीं आएगा, जितना ज़्यादा अच्छा आपको सरसों के तेल में आएगा। तेल को खूब अच्छे से पहले गर्म हो जाने देंगे। तेल जब गर्म हो जाए, तब हम छोटे छोटे पकौड़े इसमें डाल लेंगे। जितनी बड़ी कढ़ाई हो, उसी हिसाब से इसमें पकौड़े डाल लेंगे। अगर आप कम तेल डालते हैं, तो आप एक बार में 2 से 3 पकौड़े भी फ्राई कर सकते हैं। अब उलट पलट करते हुए हमें पकौड़ों को अच्छे से फ्राई कर लेना है, तो गैस को हल्का मीडियम कर ले, जिससे कि पकौड़े जो है अंदर तक अच्छे से पक जाएं। अगर आप हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे पकौड़े, तो पकौड़े ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे ही रहेंगे। एक तरफ से ये पक गया, हम इसे पलट लेते हैं। अब दूसरी तरफ से भी इसे अच्छे से फ्राई होने देते हैं। दोनों तरफ से पकौड़े जो है अच्छे से पक गए हैं। ये देखिए कितना अच्छा सा कलर आ गया पकौड़े में। तो ये हमारे आलू प्याज के पकौड़े जो है वो फ्राई हो गए हैं। अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो ये हमारा आलू प्याज का पकौड़ा बिना चावल के आटा के बन के तैयार हो गया है। तो आप भी इसी तरीके से इसे बनाएं और मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।